हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक केक डेकोरेशन का वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे क्रिकेट थीम केक। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही केक स्पंज तैयार करके रखा हुआ है। हमने इसका ऊपर का एक पतला लेयर कट कर लिया है और केक को 3 स्लाइसेस में इस तरह से कट कर लिया है। हमने केक का जो ऊपर लेयर कट किया था उसके साथ थोड़ा सा नारियल का बुरादा और थोड़ी सी ग्रीन कलर ऐड करके हमने ये क्रम बना के तैयार कर लिए हैं। ग्रास का इफेक्ट देने के लिए हम इसे यूज करेंगे। जिस भी साइज का हम पीच बनाएंगे उसी साइज का हमने एक पेपर कट करके ले लिए है। व्हाइट फंडेंट यूज करके हम उसी साइज का पीच बना के तैयार करेंगे। फंडेंट सरफेस पे ना चिपके इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़े से कॉर्नफ्लोर का यूज किया है। क्लीन सरफेस पे बेलन से हम इस तरीके से इसको बेल लेंगे। अब पीच के साइज में इसे कट कर लेंगे। अब इसे धीरे से उठाएंगे और प्लेट पे रख देंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब क्रिकेट बैट बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़े से येलो फंडेंट ले लिए हैं। इसे अब हम बैट का शेप दे देंगे। इस तरीके से बैट का निचला हिस्सा बनके तैयार है। अब बैट पकड़ने वाला हैंडल बना के हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी रेड फंडेंट ले लिए हैं। अब इसे इस तरीके से रोल करके पतला सिलेंडर का शेप दे देंगे। यहाँ पे हमने एक टूथपिक लिए हैं, उसका ऊपर का हिस्सा इस तरीके से फंडेंट सिलेंडर के अंदर डालेंगे और इसे हमें जितना लेंथ रखना है उतने लेंथ में कट कर लेंगे। अब हम इस तरीके से बैट के निचले हिस्से से इस हैंडल को जोड़ देंगे और टूथपिक से एडिबल कलर से हम इस तरीके से बैट का पैटर्न बना देंगे। अब हम इसे भी प्लेट में रख देंगे और ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम रेड फंडेंट से एक बॉल बना के तैयार कर लिए हैं। इसके ऊपर व्हाइट फंडेंट की एक पतली सी पट्टी लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल क्रिकेट बैट जैसा लगे। और ज़्यादा ओरिजिनल लुक देने के लिए हम इस तरीके से टूथपिक से व्हाइट रिंग के साइड में हल्का हल्का प्रिक कर लेंगे। इसे भी ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम 6 स्टंप बना के तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे येलो फंडेंट ले लिए हैं और बिल्कुल इसी तरीके से टूथपिक की हेल्प से हम इस तरीके से 6 स्टंप बना के तैयार करेंगे। हमने बिल्कुल इसी तरीके से सारे स्टंप्स बना के तैयार कर लिए हैं और इन्हें भी हम ड्राई कर लेंगे। केक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सारी चीज़ें बना ली है। अब इन्हें हम बस असेंबल करेंगे। टर्न टेबल पे हमने केक बोर्ड रख दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे और केक स्पॉन्ज का एक स्लाइस रखेंगे ताकि केक स्पॉन्ज स्लाइड ना हो। अब इसके ऊपर हम शुगर सिरप अच्छे से डालेंगे। इससे हमारा केक बहुत ही मॉइस्ट रहेगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम रखेंगे और पैलेट नाइफ से इसे अच्छी तरह से पूरे सरफेस पे स्प्रेड कर देंगे। आज हम केक मैंगो फ्लेवर का बना रहे हैं, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैंगो क्रश डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। अब सेकेंड लेयर के लिए हम एक और स्लाइस केक का रखेंगे। अब इसके ऊपर भी शुगर सिरप अप्लाई करेंगे। अब इसके ऊपर एक और लेयर हम क्रीम का रखेंगे। फिर से इसके ऊपर डालेंगे मैंगो क्रश। इवनली इसे स्प्रेड कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम लास्ट वाला स्लाइस रखेंगे और इसे भी शुगर सिरप से मॉइस्ट कर देंगे। ये टॉप वाला लेयर है, इसीलिए हम पहले इसके ऊपर क्रश लगाएंगे, उसके बाद ही
हम क्रीम अप्लाई करेंगे। अब हम टॉप में और साइड में इस तरीके से हल्का हल्का सा क्रीम लगा के क्रम कोट कर लेंगे। ये बस रफ कोटिंग है। क्रम कोट करने के बाद इसे कम से कम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद इसे फिर से निकालेंगे और इसकी फाइनलाइजिंग करेंगे। फाइनलाइजिंग के बाद इसे हम फिर से और आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हम फाइनल डेकोरेशन करेंगे। आधे घंटे बाद हम केक को फ्रिज से निकाल लिए हैं। हमने पीच के साइज का जो पेपर कट किया था, अब जिस जगह पीच रहेगा उस जगह उसे डाल देंगे। हमने जो ग्रीन कलर का क्रम तैयार करके रखा था, अब टॉप सरफेस पे अब हम इसे इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। इससे हमारे केक पर बिल्कुल ग्राउंड का लुक बन जाएगा। क्रम को अच्छे से डेंस करके डालेंगे, बिल्कुल भी गैप हमें नहीं छोड़ना है, ताकि बहुत अच्छे से एक वेलवेटी लुक आए और बहुत सुंदर दिखे। हमने एक पाइपिंग बैग में स्टार नोजल लगा के व्हाइट क्रीम भर लिए हैं। केक के टॉप एज को इस तरीके से बॉर्डरिंग कर देंगे। आप अपने पसंद से कोई और नोजल से भी ये काम कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमने बॉटम की भी बॉर्डरिंग कर दिए हैं और हल्का सा ग्रीन कलर का पैटर्न हमने इस तरीके से बना दिए हैं। अब हम जितने भी फॉन्डेंट टॉपर्स बनाए हैं, इन सबको प्रॉपरली अरेंज कर देंगे। सबसे पहले हम पेपर पीच को हटा देंगे और इसके ऊपर फॉन्डेंट पीच को रख देंगे। अब हम स्टर्म्स को भी इस तरीके से लगा देंगे। क्रिकेट ग्राउंड एकदम रेडी है। अब हम बैट और बॉल को भी इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर हम बर्थडे टैग भी लगा देंगे। बन गया ना बहुत सुंदर क्रिकेट थीम केक। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर 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 से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक और नए वीडियो के साथ।